देश का किसान देशद्रोही नहीं है। उस दिन इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ती जब एक पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है। हमें देश के अंदर प्रेम बांटना है, हमें नफरत की राजनीति या नफरत इस देश के अंदर नहीं करनी। देशद्रोही वो हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा झंडा लहराया और देश का तिरंगा नहीं लहराया। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा, सोशल वर्कर। आपने इनको बहुत बार सुना होगा, हर कई मुखर होकर कई विषयों पर बोलते हैं। मोहित शर्मा, क्या चल रहा है यहाँ पर? कल जो आंदोलन खत्म होता दिख रहा था, आज एक बार फिर जान आ गई, उसमें क्या है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, देश की सरकार के द्वारा जो देश के किसान को बदनाम करने का षड्यंत्र, साजिश या प्रयोग जो रचा गया था, वो पूर्ण रूप से असफल होता हुआ नजर आया। देश के किसान जो कि लगातार 64 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन देश की सरकार उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। एक और, जब देश का किसान भारत देश की राजधानी में एंटर करता है तो उनके बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी घुसते हैं जो किसानों के भेष में घुसकर किसान आंदोलन को डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल्स होती हैं, वो लगातार वीडियोस, आप एक बात बताइए कि कोई भी देश के अंदर आंदोलन हो, जो भी व्यक्ति उस पार्टी के, जो भी व्यक्ति उसके अंदर आंदोलन में दंगा फैलाता है, उसका संबंध एक व्यक्ति विशेष पार्टी से ही क्यों होता है? तो क्या आप समझ रहे हैं पूरा देश इस बात को नहीं देख रहा? पूरा देश इस बात को देख रहा है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत देश के ऊपर है। भारत देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दुर्गति भारत देश के अंदर घटी है, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि जो चोटें हमारे देश के जवानों को आई हैं और जो चोटें हमारे देश के किसानों को आई हैं, और जो भी व्यक्ति, भारत देश का नागरिक, इस किसान आंदोलन के चलते शहीद हुआ है, उनसे नुकसान हमारे देश को ही है। 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बारे में क्या करेंगे? जो हिंसा हुई उस पर आपका क्या टेक? देखिए, उस हिंसा के लिए मैं सरासर देश की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा, और वो इसलिए ठहराना चाहूँगा कि वो देश की सरकार जो दीप सिंधु जैसे कार्यकर्ता, आप एक बात मुझे बताइए, आप कभी देश के गृहमंत्री से मिले हैं? बाबूजी, आपने कभी देश के गृहमंत्री से मुलाकात करी है? आप में से किसी ने करी है? एक देश का व्यक्ति विशेष आदमी, एक देश का आम सिटीजन, एक देश के काउंसलर से नहीं मिल पाता, अपनी स्टेट के काउंसलर से नहीं मिल पाता, काउंसलर मींस निगम पार्षद से नहीं मिल पाता, एक MLA से नहीं मिल पाता, लेकिन एक आदमी जिसकी फोटोज गृहमंत्री के साथ भी हैं, एक आदमी जिसकी फ़ोटो सनी देओल जो कि सांसद हैं उनके साथ भी हैं, हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं उनके साथ भी हैं, तो आप मुझे बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सोचा समझा षड्यंत्र था? ऐसे लोगों को मंच में जगह क्यों दी जाती है? चिन्हित कौन करेगा? देखिए, ऐसे, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप मुझे बताइए, अगर इतनी भीड़ में इस आंदोलन के दौरान मेरी उंगली से अगर एक रिंग गिर जाती है तो क्या आप ढूंढ के दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो मेरे भाई, आप खुद सोच के देखिए कि इतनी सारी भीड़ के अंदर जो किसान आंदोलन को उग्र किया गया, समझ रहे हैं, जो किसान नेता थे, जो पीछे की ओर थे, जो देख रहे थे कि किसान किसी को क्षति ना पहुंचाएं, किसान शांतिपूर्ण चले, लेकिन एक और एक व्यक्ति जो किसानों के बीच घुसता है, भीड़ को उग्र करता है, गलत तरीके के भाषण देता है, भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उग्र किया जाता है, और देश की सरकारी संपत्तियों को जो क्षति पहुंचाई जाती है, ऐसे में भारत देश की IPC धारा आर्टिकल 124A देशद्रोह के मुकदमे के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और भारत की पुलिस को उनको अरेस्ट और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस की आपने बात बताई, पुलिस की बात समझ में आती है, ये बताइए इसमें किसान नेताओं की भी कमी नहीं नजर नहीं आती आपको? देखिए, आंदोलन को लीड कर रहे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए कि शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ होगा, वादा किया, लेकिन बाद में ये सारी घटनाएं हुई, तो इस पर उनकी गलती नजर नहीं आती? एक बात आप मुझे बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है और अगर इस भीड़ में आकर कोई आदमी आपके और हमारे ही भेष में आकर घुसकर अगर वो क्या बयान दे रहा है, क्या किसान नेता एक इतनी भीड़ में घुसकर उस बयान को सुनेंगे कि वो आंदोलन में क्या बयान दे रहा है? दूसरी बात, किसान नेता जो लीड कर रहे थे इस तमाम कार्यक्रम को, इस आंदोलन को, वो लीड कर रहे थे इस तरीके से कि बीच में कोई आगजनी ना घटे, बीच में कोई ट्रैक्टर, जब आपने रूट ही डाइवर्ट कर दिया, ये रूट डाइवर्ट ना दिल्ली पुलिस के जरिए किया गया है और ना किसान नेताओं के जरिए, ये रूट डाइवर्ट किया गया है उपद्रवियों के जरिए, जिन्होंने किसान नेताओं से भी कहा कि हम यहाँ देख रहे हैं, आप पीछे की ओर देखिए।
और ये सारी घटना और आगजनी घट गई। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व आ जाता है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो इसमें जवाबदेही किसकी रहनी चाहिए, ये बताइए आप। क्योंकि पुलिस जो है उस तरीके से उतनी स्ट्रांगनेस के साथ यहाँ पर आकर जाँच भी नहीं कर सकती हर व्यक्ति की, तो ऐसे में जवाबदेही कौन तय करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिगड़ती है फिर ऐसे। देखिए एक बात मुझे बताइए, क्या उस दिन इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ती जब एक पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है? क्या उस दिन आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता जब एक पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है? या उस दिन इस देश का लॉ एंड ऑर्डर शर्मिंदा नहीं होता जब देश के किसान, जो इस देश का आर्टिकल, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस देश का लॉ आपको और मुझे आर्टिकल 19 आज़ादी देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, क्या उस दिन इस देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता? बताइए ना मुझे, आर्टिकल 19 कहता है ना आपको और मुझे पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। आप एक बात मुझे बताइए, आप बस के अंदर बैठे हैं और आपने किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ दिया, बस की सीट को तोड़ दिया, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और अगर आप सरकारी संपत्ति को बेच दें तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही घटनाएँ निंदनीय हैं। और जो देश के दलाल मीडिया के ज़रिए जो लोगों का माइंड वॉश किया गया था, तस्वीरें वो नहीं दिखाई गई कि एक और जब एक पुलिसकर्मी बैरिकेड से गिरता है तो उसके खून को रोकने के लिए किसान आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो तस्वीरें छिपा दी जाती हैं, जो सरासर गलत हैं। हमें देश के अंदर प्रेम बांटना है, हमें नफरत की राजनीति या नफरत इस देश के अंदर नहीं करनी। अगर खून किसी का भी बहता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संगठन और किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो घटना निंदनीय है और हम उसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी के बाद से बीजेपी के जो लोग हैं वो देशद्रोही बोल रहे हैं। देखिए मेरे भाई, पूरा देश जानता है कि देशद्रोही कौन है। जिन लोगों ने देश के कार्यालय के, अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, असल में वो देश के देशद्रोही हैं। देशद्रोही वो हैं जो सारा देश जब अंग्रेजों से लोहा ले रहा था और वो रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे। देशद्रोही वो हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा झंडा लहराया और देश का तिरंगा नहीं लहराया, वो देशद्रोही हैं। देश का किसान देशद्रोही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।